नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज आजमगढ़ जिलाधिकारी राजेश कुमार ने महुला गढ़वाल बांध का निरीक्षण किया है, जिसके बाद निरीक्षण के दौरान सहनपुर बांध की ऊंचाई कम को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी का रास्ता रोक दिया और जुकारा रिंग बांध को पक्का कराने की मांग की। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी बाढ़ की तैयारियों को देखते हुए हमने निरीक्षण किया है, ताकि आने वाली बाढ़ की विभीषिका से लोगों को बचाया जा सके। हमारे TV20 न्यूज संवाददाता राधेश्याम से बात करते हुए जिलाधिकारी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा, सीधे सुनवाते हैं। प्रभावित बाढ़ को देखते हुए आज आपका दौरा हुआ है, ये हमेशा से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, क्या तैयारी की गई है? क्या देखिए, पिछली बार बाढ़ क्षेत्र जो है सगड़ी में पड़ता है, बंदे में पिछली बार हमारे जोकरा टेकनपुर जो तटबंध है वो टूटने से काफ़ी गांव प्रभावित हुए थे, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पे बंदे की मरम्मत के लिए एक परियोजना स्वीकृत की गई है दोनों बंदों के लिए, और साथ में घाघरा के भी तटबंध बचाने के लिए 30% स्वीकृत हुए हैं। तो जोकरा और टेकनपुर बांध का काम लगभग पूरा हो गया है और उसी को देखने हम आए थे, तो वही देखने आए थे। उसमें छोटे मोटे, क्योंकि नया बांध बना है उसको लगातार उसमें वॉच रखने के लिए स्टील फ्लड को निर्देशित भी कर दिया गया है कि उसे वॉच रखें, और जो भी क्योंकि नई मिट्टी है उसको लगातार उसको स्टेबलाइजेशन का काम करते रहें। और बाकी यहाँ पे 10 बाढ़ चौकियाँ हैं, उनको 15 तारीख से ही सक्रिय कर दिया गया है, कंट्रोल रूम तहसील में और ज़िले में खोल दिया गया है, और सभी संबंधित जो विभाग हैं उनके लोगों का यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। अच्छा, बाढ़ की मतलब जो संभावित खतरे हैं उसको देखते हुए तैयारी कंप्लीट कर ली गई है? पूरी तैयारी की जा चुकी है। जो मेन हमारा जो बंदा है घाघरा का तटबंध है, इसके भी रेनकट और उसका काम चल रहा है, लगभग सब पूरा हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है। जो जोकरा टेकनपुर बांध है 600 जो पिछली बार टूटा था और अतिरिक्त 25-30 गाँव उससे प्रभावित हुए थे जो नॉर्मली नहीं होते हैं, उसको भी उसमें काम कर लिया गया, थोड़ा बहुत जो काम बचा है उसको जल्दी कर सकते हैं। कोरोना काल के दौरान जहां पहली और दूसरी लहर से पूरा देश लड़ता रहा, वही तीसरी लहर को लेकर भी लोगों को चिंता सताने लगी है। लोगों का मानना है कि तीसरी लहर पहली और दूसरी से ज़्यादा खतरनाक होगी। ऐसे में इस लहर की आशंका को देखते हुए सौसैया अस्पताल की डॉक्टरों द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है। तीसरी लहर से निपटने के लिए सौसैया अस्पताल में 15 बेड का ICU तैयार किया गया है। वही सेंट्रल ऑक्सीजन का प्लांट भी लग चुका है, जिसकी क्षमता 500 लीटर प्रति मिनट की है। जैसी दिक्कत पहले ऑक्सीजन को लेकर आई थी, वैसी दिक्कत आय की लहर में नहीं आएगी, क्योंकि सेंट्रल सप्लाई का ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरह से चालू हो गया है, जिसकी 24 घंटे बराबर सप्लाई रहेगी। इसके अलावा पोस्ट कोविड वार्ड भी तैयार है, वही वयस्क लोगों के लिए अस्पताल में ही अलग से वार्ड बनाया गया है। सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा बाल रोग विशेषज्ञ तथा अस्पताल के कोविड नोडल प्रभारी डॉक्टर अली हसन ने, सुनिए। सर, ये जो तीसरी लहर आ रही है बच्चों के लिए आ रही है, आप चाइल्ड स्टडी उसके बारे में भी बताइए। जी देखिए, बच्चों के लिए कोई अलग से नहीं है कि हमको बच्चों के लिए, अब मान लीजिए 2 साल का बच्चा है या 2 साल से छोटा बच्चा है, उसको मास्क के लिए तो ना आप लगा पाएंगे ना फोर्स कर पाएंगे, लेकिन उनको बचाना कैसे है? जो आदमी बाहर निकलता है, जैसे हम कोई एडल्ट है, कोई बाहर जा रहा है, घर का सामान लेने निकला है, अब वो जब घर के अंदर आएगा तो उसको सबसे पहले अपने दरवाजे पे ही उसको हैंड सैनिटाइज़ करना है, और अपने सारे कपड़े जो है अलग से वॉशरूम में जा कर के गर्म पानी में डाल देना है, और उसके बाद नहा धो करके पूरी तरह से साफ़ होकर के तभी बच्चे के पास जाए, क्योंकि बच्चे बाहर जाएंगे नहीं इन्फेक्शन लेने, जो बाहर घर के जा रहे हैं वही इन्फेक्शन ला करके उनको देंगे। तो हमें सबसे बड़ी चीज़ का ध्यान यही रखना है कि हम जब अपने बाहर से लौट करके जब अपने घर आएँ तो इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखें कि बच्चों को छूने से पहले हम नहा धो लें अच्छे से, और सैनिटाइज़र हमेशा यूज़ करें, हमेशा हाथ धोएं, और बच्चा मास्क नहीं लगा रहा है लेकिन हमें बच्चे के पास जाने से पहले मास्क प्रॉपर लगाना चाहिए, क्योंकि हम अपना ड्रॉपलेट उसे ना दें। अगर एक आदमी मास्क लगाता है तो वो अपने सामने कई लोगों को बचाएगा, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ हमको ध्यान, अगर ये तीसरी लहर मान लीजिए अपने क्षेत्र में फैलती है, जी, आप यहाँ पे कोरोना प्रभावी है 40% है, जी, तो अपने अस्पताल में उसके लिए क्या कुछ सुविधा बनाई गई है? उसके लिए बिल्कुल यहाँ 15 बेड का PICU हमने तैयार कर रखा है, और सेंट्रल ऑक्सीजन का प्लांट लग भी रहा है। अभी जो पिछले लहर में जो ऑक्सीजन की दिक्कत आई थी, तो वैसी दिक्कत आगे की लहर में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल सप्लाई का ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है जो 420 लीटर पर मिनट की क्षमता वाला है,
वो इतना हमको सफिशियंट ऑक्सीजन 24 घंटे उसकी प्रॉपर सप्लाई रहेगी। 15 बेड का हम PICU बना रहे हैं, उसके अलावा पोस्ट कोविड वार्ड है हमारे पास, एडल्ट के लिए भी अलग से वार्ड है, तो पूरी व्यवस्था हम अपनी तरफ से। नगर पंचायत उतरलिया की जाम नालियों को सफाई नायक राधे श्याम सिंह के नेतृत्व में दर्जनों सफाई कर्मचारियों का आखिर कराया गया, जिसमें यूनियन बैंक के पास लोहिया नगर वार्ड में नालियां काफ़ी जाम हो चुकी थी, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, जिसको साफ किया गया। वहीं बब्बर चौक से केसरी चौक तक मुख्य नाले की साफ सफाई भी की गई। नाले के बगल में अतिक्रमण होने की वजह से साफ सफाई करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। अधिशासी अधिकारी संपूर्णानंद तिवारी ने बताया कि नालियों के जाम होने व अतिक्रमण की स्थिति के लिए नायब तहसीलदार की उपस्थिति में व्यापारियों से बात की गई। उन सभी को बुलाकर उप जिलाधिकारी की उपस्थिति में एक वार्ता की जाएगी, जिसमें 2 से 4 दिनों में मीटिंग रखी गई है। अतिक्रमण का क्षेत्र जो विशेष रूप से जाम हुआ है उससे सफाई कराना बहुत ही जरूरी है, जिसकी वजह से पूरी तरह से नालियां जाम हो गई हैं। उप जिलाधिकारी ने बताया कि अगर लोग नहीं मानते हैं तो इनके द्वारा किया गया पूरा अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। जल निकासी और कूड़ा डंपिंग के बारे में बताया कि डंपिंग ग्राउंड लोहरा में मिल चुका है, जहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत प्लांट स्थापित किया जाएगा, इसका सीमांकन भी कर लिया गया है। आइए सुनाते हैं कि अधिशासी अधिकारी संपूर्णानंद तिवारी ने क्या कुछ कहा। जो जाम की स्थिति है एक आध जगह पे और अतिक्रमण की स्थिति है, उसके संबंध में व्यापारियों से बात की गई है। नायब तहसीलदार साहब भी उपस्थित थे, फिर उनको बुलाकर SDM साहब की उपस्थिति में एक वार्ता की जाएगी, एक मीटिंग रखी गई है 2-4 दिनों में, और वो अतिक्रमण वाला क्षेत्र विशेष रूप से चूँकि जाम हुआ है उसको सफाई कराना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके नाते ब्लॉकेज हो गया है, तो उसके बारे में SDM साहब से वार्ता की, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर वो लोग नहीं मानेंगे तो पूरा अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। सर, जैसा कि जल निकासी और कूड़ा डंपिंग के लेके यहाँ भारी समस्या है, इसके बारे में बताइए। डंपिंग ग्राउंड हमें दे दिया गया है जी, मतलब जहाँ पे एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत एक MRF प्लांट स्थापित किया जाएगा लोहरा ग्राम में, और उसका सीमांकन भी कर दिया गया है, जल्दी ही उसके निर्माण की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी जाएगी। निजामबाद तहसील क्षेत्र के बड़ागांव प्राचीन शिव मंदिर पर चल रही रामकथा के 6वें दिन प्रयागराज संगम तट के बाबा जगदीशाचार्य महाराज ने कहा कि जहां पर एक होती है उस क्षेत्र का सभी संकट दूर हो जाते हैं, और मंत्रों में इतनी ताकत है कि हमारे संस्कृति में हर चमत्कार करने का क्षमता विद्यमान है, और विज्ञान की दृष्टि से क्षेत्र का समूचा वातावरण शुद्ध हो जाता है। उन्होंने बताया कि बड़ागांव में 1 माह तक रामकथा चलेगी और 10 दिन तक यज्ञ होगी, और आखिरी दिन भव्य भंडारा का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर जगदीशाचार्य महाराज करुणा सागर महाराज ने रामकथा किया और आरती अजय कुमार मिश्रा ने किया। अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से ट्रक टकरा गई, जिसमें एक की मौत हुई है तो कई लोगों की घायल होने की सूचना मिल रही है। घायलों को आजमगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां बसकारी थाना क्षेत्र के लहतुरबा पुलिस चौकी के पास की घटना है। बस चालक को बताया जा रहा है कि बस चालक को नींद आने जाने से यह हादसा हुआ है, जिसमें एक महिला की मौत हुई है तो वहीं आधा दर्जन लगभग यात्री घायल हुए हैं। घायलों को आजमगढ़ के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस खारी थाना क्षेत्र के लहतुरवा पुलिस चौकी के पास की घटना है। मौके पर पहुंची पुलिस जाँच पड़ताल में जुट गई है। तस्वीरें आपके सामने जो अम्बेडकर नगर जनपद से TV20 न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। अम्बेडकर नगर से बड़ी खबर, जहां साइकिल चोरी करके भाग रहे चोरों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और जमकर उसकी धुनाई कर दी। तस्वीरें किसी ने कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय गर्म है। बता दें कि पिटाई के बाद लोगों ने पुलिस को चोर को सौंप दिया, तो वही कोतवाली अकबरपुर के नाका चुंगी का यह मामला बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चोर के पास चाबी का गुच्छा भी बरामद हुआ है। पिटाई के बाद लोगों ने पुलिस को सौंपा, कोतवाली अकबरपुर के नाका चुंगी का यह मामला है। तो बड़ी खबर है वे अम्बेडकर नगर जनपद से, जो आपको TV20 न्यूज पर दिखा रहे हैं, जहां साइकिल चोरी करके भाग रहे एक चोर को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, पहले उसकी कुटाई की और फिर पुलिस को सौंप दिया, और वहां पर स्थानीय किसी व्यक्ति ने इसका पूरा वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसकी अब क्षेत्र में चर्चाएं गर्म है। आजमगढ़ की थाना बरधा पुलिस ने एक ऐसे
अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने का आरोपी है और साथ में उस अपहरिता को भी बरामद कर लिया गया है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित वारंटी अपहरण करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज संदिग्ध वाहन और व्यक्ति व पेंडिंग मुकदमा में थाना बर्द जनपद आजमगढ़ की विवेचना में मामूर्थे की थाना के जरिए मुखबिर द्वारा बताया गया कि उपरोक्त संबंधित मुकदमे में वांछित अभियुक्त जीवड़ी मोड़ पर भागने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया जिनके से बारी बारी उनका नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम क्रमशः विजय बिंद पुत्र बेचूलाल बिंद उम्र 26 वर्ष और अमित बिंद पुत्र सूबेदार बिंद उम्र लगभग 20 वर्ष बताया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर आग की कार्रवाई में जुट गई है। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थानाध्यक्ष तारकेश्वर राय मय हमरा फोर्स द्वारा देखभाल क्षेत्र भ्रमण व चेकिंग के दौरान मुखबिर की खास सूचना पर प्रोग्राम करखिया मोड़ के पास गैंगस्टर एक्ट से संबंधित दो संदिग्ध अभियुक्त हैं जो कहीं जाने की फिराक में है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर बताए गए स्थान पर पहुंचकर अभियुक्त पप्पू पुत्र गुंगा केवट व नैना देवी पत्नी खुशियाल निवासीगण सरदौली करधौली बुढ़नपुर को बुढ़नपुर केवटिया थाना रौड़ा पार आजमगढ़ को गिरफ्तार कर चलान कर दिया है। और आजमगढ़ में धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की सदस्यता लोगों में बढ़ती जा रही है। लोग अन्य पार्टियों को छोड़ आम आदमी पार्टी में खुले मंच से आकर के शामिल हो रहे हैं। आज इसी दरमियान सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली जिसमें प्रदेश सचिव गोविंद दुबे ने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। बता दें कि उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ के प्रदेश सचिव गोविंद दुबे हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया और आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद आम आदमी पार्टी के परिवार ने इनका जोरदार स्वागत किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आजमगढ़ की है जहाँ प्रदेश सचिव गोविंद दुबे ने बता दें कि अभिभावक उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ के ये प्रदेश सचिव हैं जो आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद आम आदमी पार्टी परिवार ने इनका भव्य स्वागत किया। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र द्वारा अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण से दिए चंदे से भूमि खरीद में अनियमितताओं के संदर्भ में जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कोविड की गाइडलाइन का भी पूरी तरीके से पालन किया। जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट का भूमि की खरीद में चंदे की धन का दुरुपयोग करोड़ों लोगों की आस्था का अपमान है। 2 करोड़ रुपए के मूल्य की भी भूमि 18 करोड़ 50 लाख में खरीदने की जांच सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कराई है। प्रथम दृष्टया जमीन खरीद पूरी तरह जनता के धन का बड़ा घोटाला प्रतीत होता है। इस प्रकरण में भाजपा के साथ पीएम एवं सीएम के सामने आकर जनता को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उपरोक्त मामले की जाँच सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जाए अन्यथा कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। Thank you.